दिनांक 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर निर्माण कार्य जो है प्रगति पर है। तो आप लोग देख लीजिए जो गुंबद का है, गुंबद का कार्य मतलब जो चल रहा है, जो गुंबद बनाने का कार्य चल रहा है लगभग समापन की ओर बढ़ चला है। हमारे मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, हमारे भाई लोग एकदम बहुत बढ़िया भैया आपका आ रहा है जो है, और हमारे सभी भाई लोग लगे हैं हर हर महादेव। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुंबद जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल जो है 12 स्टेप ऊपर बन के जा चुका है, जो कि 5 फीट नीचे का जो पत्थर है वो खड़ा है उसके ऊपर 12 फीट का स्टेप जा चुका है, इसके ऊपर 4 फीट का स्टेप अभी बनना बाकी है। तो आज दिनांक 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आज शाम तक जो है गुंबद निर्माण कार्य लगभग संपन्न हो जाएगा। कल इसको जो है क्या बोलते हैं भैया वो जो किया जाता है जो इसमें जो बारीक छेद वगैरह है उसकी भराई की जाएगी। तो कुल मिला के आज जो है गुंबद निर्माण कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा। कल इसकी मुखाई बोलते हैं इनकी भाषा में, तो इसकी भराई की जाएगी। तो मतलब आज 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर का गुंबद निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी जो है 12 स्टेप जो है बन चुका है, उसके ऊपर 4 स्टेप बनेगा। लगभग आज शाम तक पंपोज भाई ये गुंबद का स्टेप जो है बनकर तैयार हो जाएगा। पंपोज भाई, दला बाबा धाम पर इतनी खूबसूरत भोलेनाथ जी की मंदिर बन रही, इस बारे में क्या राय है आपकी? क्या कह रहे हैं? मंदिर बने एक हफ्ता लागे, एक हफ्ता मंदिर में बन के तैयार हो जाए, बन जाए पूरा। देखा कितना ऊपर का है, देख ले। हाँ यार, बहुत देख ले कितना ऊपर का है, इतना बढ़िया के मंदिर ना है। प्रयोग कर पाए हम, प्रयोग करिए इतना बड़े मंदिर के बनाए। हाँ, तू ना बनाए पाए, तू बनवावत है। हम तो बनौते ही विनोद भैया पाने बनवावत है। हम तो 51 रुपया दे मंदिर दान, मंदिर दान दे 51 रुपया। इटो दीन है, इटो दीन है 1000 ईटा। हाँ हाँ, बन जाए एक हफ्ता लगे बस। देखा कितना पेंट जाए, देख बा वाह मंदिर कितना बढ़िया, मंदिर खूबसूरत लगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया मंदिर लगे, बहुत बढ़िया खूब। पंपोज भाई, कैसे आपके मन में आया कि विकास भाई गुंबद जो है पत्थर का बनाया जाए, कैसे आपके मन में आया? मन में आया पत्थर, हमारे समझ में आया, हम जाते ही देख ले मंदिर, हम कहे जाए देख ली। नहीं नहीं पंपोज भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं कैसे आपके मन में आया कि जो है विकास भाई ये जो गुंबद बन रहा है ईंट का ना बनाने की बजाय कैसे इसके आपके मन में आया कि इसको पत्थर का बनवाया जाए? पत्थर का बनवावा जाए, मंदिर बढ़िया बिलाईपी बनती है, एकदम बिलाईपी होटल की तरह बिलाईपी मंदिर बने। अरे वाह लोदी लोदी देखा जमाए यार, वो लोदी आई गई यार, लोदी कपड़वा कहाँ खरीदे लोदी यार? पंपोज कहाँ खरीदा, कहाँ खरीदा आई? तोरे अच्छा लगा था कपड़ा हमारे? अरे वाह चटवा पैटिंग चटवा ले यार। तो पंपोज भाई, कैसे आपके मन में विचार आया कि जो गुंबद है विकास भाई वो पत्थर का बनाया जाए? आपने मुझसे आकर कहा कि ये गुंबद जो है पत्थर का बनाया जाए, तो कैसे आपके मन में आया? मन में आया पत्थर का। उपाजी चढ़ा, उपाजी चढ़ा, नहीं लग गई। पंपोज भाई, कैसे आपके मन में आया गुंबद? ठीक है। हाँ हाँ, मंदिर में सहयोग से बम्पोर प्रताप गढ़ी जी के मंदिर बन जाए, इतना ऊपर मंदिर बन जाए, क्यों कहे कहे क्या कहना चाहेंगे? मंदिर का सहयोग भगवान के लिए मंदिर बनना जाता है, खूबसूरत भगवान के लिए पूजा करना जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, आज दिनांक 10 अक्टूबर दिन मंगलवार 2023 को दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। गुंबद निर्माण कार्य आज संपन्न हो जाएगा। 12 स्टेप आप जो देख रहे हैं, ये स्टेप जो है ये 12 स्टेप जो है खड़ा हो चुका है, अभी 4 स्टेप और खड़ा होना बाकी है। उसके बाद जो है कल शाम को इसकी भराई की जाएगी, जो बीच बीच में जो छेद हैं हल्के फुल्के उसको जो है हम बताए गुरु। हाँ, एक बार नमन बन जाए, देखा कुछ दिन में तैयार हो गए मंदिर में सहयोग, दोपहर तक देखा वहा पंपोज भाई कितने सुंदर मंदिर एकदम, एक पेंटवा दे लाल कलर करवा दे, टाइल बिछवा दिन जाए, बन जब मंदिर घंटी टांग दिन जाए, भगवान के फोटो लावा जाए, भगवान के मंदिर लावा जाए, भगवान के मूर्ति लावा जाए, भगवान के सहयोग से
टाइल्स लग जाए, पर्दा लग जाए, मुन जाए, सब जितना खुला है मुन जाए, सब एको न दिखाए, एको न दिखाए, पता लगे बा मंदिर का महाकाली फोटो रखा जाए बा। कंपोज भाई शिवलिंग कहाँ से लाई जाएगी? शिवलिंग जगेतर गंते महापुरी से जगेतर गंते लावा जाए का पेंटो आवा जाए कौनो कहाँ लाल कलर का देवे बहुत अच्छा लगे वहाँ जाके वो लाल कलर है उज्जवल लाल कलर और अच्छा लगे। पंपोज भाई शिवलिंग जो है ओमकारेश्वर से लाया जाएगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओमकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी से जो शिवलिंग निकलती है पंपोज भाई मंदिर से सहयोग भगवान जी कह दें ये मंदिर बन जाए बस ज्यादा दिन एक महीना लगे। सभी भाइयों से बताना चाहता हूं कि इस मंदिर के संरक्षक हमारे बड़े भैया श्री विनोद पांडे जी हैं जिनके द्वारा 5 फावड़ा मारकर 31 जुलाई 2023 को इसका शिलान्यास किया गया। उनके द्वारा 51,000 रुपये की सहयोग राशि देकर मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर करवाया गया, मतलब शिलान्यास उनके द्वारा हुआ। उसके बाद सबसे पहले 51,000 रुपये की सहयोग राशि उनके द्वारा प्रदान की गई और ना जाने लाखों रुपए उनके द्वारा दिए गए। तो मुख्य रूप से जो अहम भूमिका है वो हमारे बड़े भैया श्री विनोद पांडे जी की है। पंपोज भाई तो आप विनोद भाई के बारे में, विनोद पांडे भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विनोद भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विनोद भैया पांडे जी बहुत अच्छा आदमी है, मंदिर का सहयोग ज्यादा ज्यादा सहयोग कर दे हैं। बहुत 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 धन्यवाद विनोद भैया जी। पंपोज भाई जिस तरीके से विनोद भैया बिहारगंज से आके हम लोगों से जुड़े जो है बिहार गंजे विनोद पांडे जी तो हमारे बचपने बाल चार रहा भैया से हाँ जब पैदा ना भरे तब उनके घरे पहुंच जाते रहे। अरे यार बम्बोस यार जब पैदा ना भरे तब पहुंच जाते रहे वही दिन पहुंच गए जो ने दिन तू जगेता गंज करे हाँ वही दिन हम पहुंच गए रहे लेकिन इतना बड़ा ही जितना बड़ा घर है। पंपोज भाई लेकिन हम इनास मत पाए जब पैदा ना भरे कैसे पहुंच गया कहा था वही दिन घर है जो ना दिन जगेता गंगा रहा वही दिन हम जगेता चला गया बिहार गंज कहती चप्पल खरीदे मनीष भैया मिले चला आए। पंपोज भाई लेकिन चश्मा तो बहुत जमाता है यार एकदम जमाता है ठीक है 100 रुपया 120 रुपया चश्मा आई क्यों खरीदे क्यों ना खरीद पाए क्यों ना खरीदे मंदिर का सहयोग विनोद भैया जी किए हैं मंदिर में एक हफ्ता लगे मंदिर बन जाए देखे काबे पंपोज प्रताप गरी जी एकदम मुन जाए एको न दिखाए सब मुन जाए हाँ सब पक्का हो जाए एकदम। लेकिन पंपोज भाई जिस तरीके का 21 फीट का पत्थर का गुंबद बन रहा है आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर काफी बढ़िया एकदम चकाचक माल लग रहा है सुंदर काफी एकदम चकाचक लग रहा है मंदिर देखा कैसे सहयोग है हाँ यार क्यों कहले देखा था यार पंपोज भाई कितना सुंदर मंदिर बन दिया है यार एकदम सुंदर मंदिर काफी देख लिया एकदम नंबर एक चकाचक मंदिर बन जाए। पंपोज भाई हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है भोलेनाथ जी का मंदिर हमारे यहाँ नहीं था तो दला बाबा धाम पर हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर नहीं था और आपके सहयोग से आपके प्रयास से जो है हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आती है। पंपोज भाई तो आप आपने हम यहाँ पूजा के उस न करने देंगे कहे हम सिर्फ हम यहाँ मंदिर में रहनेंगे सिर्फ मंदिर में रखाऊ बढ़िया मंदिर में पूजा कर भी रहो सो भी खा भी रहा मंदिर में कहाँ सोव गया मंदिर में सोव ना मंदिर के भगवान के सहयोग सेवा कर आप कम से कम तो पुण्य मिले भगवान के बाहर भगवान के चौतरा बाहर साफ कर पोछा लगाऊ तब भगवान खुशी मनाइए ये सोरी शादी होता है मनाई मनाए तब शादी हो तो का बालू बाबा अंदर न जाती है मंदिर के तो पैसे निकाल लेते तो हम चोरी वोरी ना करी थी साहब तो का बाबा न जाती है कहा न जा देंगे कहा कर रहे हैं कहा जा उनका हाँ जा जा क्या करवा मंदिर तू तू आज करवाओ भैया तू क्या करवाओ भैया कैसे निकलिए लगावा यार कैसे निकाल दिया चश्मा अरे निकाल गया यार क्या बताई निकाल गया क्या बताई बन जाए एकदम अच्छा लगा। तो आप लोग देख लीजिए दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है तो लगभग आज 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को गुंबद निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा और कल मात्र दोपहर तक का काम ही रहेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें भोलेनाथ जी के चरणों में और बड़े गर्व की बात है कि हमारे दला बाबा धाम पर भोलेनाथ जी का विशाल मंदिर बनकर तैयार हो रहा है हमारे पंपोज भाई की सहयोग से
और संरक्षक हमारे बड़े भैया श्री विनोद पांडे जी हैं, और हमारे मंदिर के अध्यक्ष हमारे बड़े भैया श्री विनय शुक्ला जी हैं, और हमारे दला बाबा धाम के महंत परम आदरणीय श्री श्री एक हजार त्यागी दास जी महाराज और महंत बालूर बाबा महाराज जी हैं। पंपोज भाई, जिस तरीके का मंदिर बन रहा है दला बाबा पर, पंपोज भाई हाँ, जिस तरीके का मंदिर दला बाबा पर बन रहा है, जो है पत्थर का पूरा गुंबद लगा है, आप इसे जो है किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बढ़िया है, काफी बढ़िया है, बहुत बढ़िया मंदिर बना है। जहाँ पुण्य मिला है, जहाँ भगवान पुण्य का देन, जा बच्चा पालो। पंपोज यार, तो समुद्री डाकू यार, एक आंख खोले रहा एक आंख बंद कर रहा था यार, एकदम ना गा यार, सब फालतू हम सब ना करी, हम सब तो मंदिर में सहयोग करी थी, समझा? एक नंबर हाँ। भगवान का मंदिर बनना जाता है पुण्य, और एक नंबर का विनोद भैया पांडे जी हमारे यहाँ उपस्थित है हाँ। मंदिर का सहयोग, ज्यादा ज्यादा सहयोग करें, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भैया जी। आप लोग देख लीजिए, मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को एक देख ले भाई, एक दिन में बन जाए सहयोग, एक देख ना पक्का हो गया ना, बताया 4 दिन में पक्का हो गए हाँ, कलर हो गए। दला बाबा धाम के महंत परम आदरणीय त्यागी दास जी महाराज आ चुके हैं, त्यागी महाराज की जय। इनके कुशल मार्गदर्शन में दला बाबा धाम पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, आप लोग देख लीजिए। आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर चटुन्ना भाई, हम का चटुन्ना कहा करा, आज जो है चुप रहा पंपोज, आज जो है 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर निर्माण कार्य। आज जो है ऊपर का ये जो गुंबद बन रहा है, 12 स्टेप हो गया है, 4 स्टेप और बनेगा, तो गुंबद निर्माण कार्य जो है आज संपन्न हो जाएगा, और कल दोपहर तक का पंपोज भाई काम इसमें जो है बचा हुआ है। पंपोज भाई लोधिक देगा बारवा कैसे कटाए यार। पंपोज भाई, ये जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, आज दोपहर तक इसका निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा, संपन्न हो जाए, बन जाए, ज्यादा दिन ना लगे, बन जाए, काफी दिन सही कहा था, गलत बताया, सही कहा था बंबोस भाई, एकदम मंदिर का सहयोग बन जाए या देख काव्या पंपोट प्रताप गढ़ी जी बहुत बढ़िया मंदिर का सहयोग के यहाँ, एकदम चकाचक पंपोज, एकदम देख भैया मंदिर जैसे पक्का बिलाईपी सोने मंदिर लागे, जैसे सोने मंदिर बिलाईपी देखे कितना ऊंचे जात देख लिया, बहुत सुंदर, कितना ऊंचाई जात बाबे और ऊंचाई जाए। बहुत सुंदर पंपोज भाई, आपके अथक प्रयास से, आपके द्वारा कहे गए वक्तव्यों से हमें तो लग रहा है कि मंदिर जो है एकदम बहुत भव्य बनेगा, जो है मंदिर बने ना, मंदिर बन गया बा हाँ, बात है ईटा जोड़ा का है, बात मुँह न गा, बात ईटा कहाँ पाथर काटे नहीं तो बनता है। अरे मंदिर देख ले मैं काव्य आए माई एकदम, अरे वहाँ यहाँ मंदिर जैसे बिलाई भी बन गया हाँ। तू अब तब कह खुटे एक दिन देख दिया मंदिर के चोए कुटी नरे बन जाए। पंपोज भाई, आज जो है गुंबद बनकर तैयार हो जाएगा, मिस्त्री लोग बोल रहे हैं कि आज गुंबद बनकर तैयार हो जाएगा, आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर जाना दिन मंदिर बन जाए उसी दिन भंडारा करवाऊ मंदिर का सहयोग, जानता हाँ मंदिर का सहयोग ज्यादा बन जाए ना, बहुत तगड़ा भंडारा, एक नंबर पूरी सब्जी बुनिया चटनी मरचा नमक मरचा सब लग दौड़ पड़े, पूरी खस्ता इतना सब रहे, बहुत तगड़ा भंडारा रहे, बहुत तगड़ा भंडारा। पंपोज भाई, जोन डिजाइन तू बनवावा था मंदिर के, बहुत तगड़ी मंदिर बनती है, बहुत तगड़ी मंदिर बनती है, बहुत तगड़ी बिलाबी मंदिर, एकदम चकाचक नंबर वन मंदिर बने, ज्यादा दिन ना लगे, बात एक हफ्ता रुक जा, बात मंदिर तैयार बन के हमारे हाथे बन गया, जाना मंदिर ज्यादा भगवान सहयोग कर देन, नहीं वो मंदिर सहयोग ना हो। पंपोज भाई, इस मंदिर के जो मुख्य कार्यकर्ता है वो आप ही हैं, तो भोलेनाथ से यही मनोकामना है कि जो है मंदिर हमारी ये मंदिर बन जाए, हम शादी करब चाहे जरूर लड़की हेर के यही करब मंदिर ही में। पंपोज भाई, भोलेनाथ जी से मनोकामना है कि मंदिर बन जाए और आपकी शादी भी हो जाए, दिल से प्रार्थना, शादी हो जाए तो और खुशी हो जाए, शादी हो जाए मनाइए और खुशी हो जाए, वाह पंपोज भाई शादी कर लिया, वाह पंपोज भाई शादी कर लिया, लड्डू खिलाओ
लड्डू खिलाओ, मुझको लड्डू खिलाओ। बहुत सुंदर पंपोज भाई, आप जो बोलते हैं एकदम दिल से बोलते हैं। जाने दिन मंदिर बन जा जानता गुरु भैया, वही दिन प्रसाद बांटा बजरंग बली का प्रसाद, दया प्रसाद, 2 किलो लड्डू हिया से हुआ तक बांटा। 2 किलो और लागे जो लागे, और ले लिया पंपोज, 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो। पंपोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख लीजिए दला बाबा धाम पर निर्माण हो रहे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर, गुम्बद निर्माण का आज संपन्न हो जाएगा, दोपहर तक इसकी भराई उराई की जाएगी। आप सभी का हर हर महादेव, हर हर महादेव, मंदिर का जय हो। पंपोज भाई एक बार यूट्यूब चैनल का नाम, यूट्यूब के चैनल का नाम विकास शुक्ला गुरु दली बाबा दादा।